हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ZF कमर्शियल व्हीकल सॉल्यूशंस की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। जो कि गाइस, यहां पे कंपनी की ओर से अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स है। इनकम 971 करोड़ का मार्च 24 में, 978.5 करोड़ का और जून 23 में 988 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 837.5 करोड़ का मार्च 24 में, 842.3 करोड़ का और जून 23 में 854.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी डिक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 133.5 करोड़ का मार्च 24 में, 136.1 करोड़ का और जून 23 में 133.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एवरेज देखने को मतलब एवरेज मतलब कि एज इट इज सेम देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सपेंस उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाउन करती हुई नज़र आई है। नेट प्रॉफिट 994 करोड़ का मार्च 24 में, 100 करोड़ का और जून 23 में 99.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इस बार मार्च 24 में 100 करोड़ का, जून 23 में 99.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन हुआ 30 लाख का। EPS 52.42 रुपीज़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया है यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम ही नहीं बल्कि प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स कवर करें, इनकम 963.8 करोड़ का मार्च 24 में, 975.5 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 981.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंस 830.5 करोड़ का मार्च 24 में, 838.2 करोड़ का और जून 23 में 848.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी डाउन है इनकम के अकॉर्डिंग। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 133 करोड़ का मार्च 24 में, 137 करोड़ का जून 23 में 133.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 99 करोड़ का मार्च 24 में, 101 करोड़ का और जून 23 में 99.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे गाइस, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट तो बहुत बुरी तरह से गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट जो है ना, गिरावट तो है, लगभग 54 लाख का डाउन देखने को मिल रही है। EPS 52.31 रुपीज़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है ही, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला है। रिजल्ट कंपनी का आया है 115 में इसका रिज़ल्ट आया, और रिजल्ट आते गए कंपनी के शेयर में एक बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला। शेयर जो आया इसका 15,544.85 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर ट्रेड करा, 2.4% का प्रॉफिट दिया। यहाँ पे 110 में कंपनी का शेयर था 15,538 रुपीज़ पे, लेकिन अब यहाँ से गाइस कंपनी का शेयर में प्रॉफिट तो है, लेकिन गाइस फिर भी यहाँ से कंपनी जो सब डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाउन होता हुआ नज़र आ रही है। 15,568 पे जो सो तेजी आया, और यहाँ पे गाइस डाउन होने के बाद कंपनी मतलब प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वापस से कंपनी में तेजी देखने को मिला, और 5 डे में 1.85% का लॉसेस है, 1 मंथ में 2.4% का लॉस है, और 6 मंथ में 9.6% का लॉसेस है। तो गाइस कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका, और यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउन भी देखने को मिला था, लेकिन अगर आप इसके जो कंपनी का जो शेयर है 12% का करेक्शन लेता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं गाइस फ्रेश एंट्री, तो आप इसमें थोड़ा बहुत एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में उतना ज़्यादा डाउन नहीं किया, एवरेज है, लेकिन गाइस इनकम बहुत ज़्यादा डाउन था, तो इसलिए आप इसमें एवरेज वगैरह कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।